सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए आज के चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वर्तमान में जारी कोरोना महामारी में विशेषज्ञों ने कुछ एक विशिष्ट वर्ग निर्धारित किए हैं, इन्हें हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है। इन वर्गों में इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है, इससे उत्पन्न कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु की आशंका अधिक होती है। इन्हीं विशेष वर्गों में एक वर्ग होता है हृदय रोगी यानी हार्ट पेशेंट का। तो आज इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन जानकारी के लिए हमने अमरावती शहर के युवा हृदय रोग चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन जी अग्रवाल को आमंत्रित किया। सर, आपका हार्दिक स्वागत है और इस विषय पर आपका मार्गदर्शन। थैंक यू। सबसे पहले तो सतीश अग्रवाल सर, रवि खेतान सर और इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, और हार्ट डिसीज और कोविड ये बीमारी, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके दो पहलू है। पहला पहलू ऐसा है कि कोविड बीमारी का डायरेक्ट हार्ट पे असर, यानी जिनको पहले कोई हार्ट की बीमारी नहीं, ऐसे लोगों में डायरेक्ट हार्ट का असर, ये मेनली जो आईसीयू में पेशेंट एडमिटेड है कोविड बीमारी से, उनमें पाया जा रहा है, जिनमें हार्ट के मसल्स मांसपेशियों पे सूजन आ रही है, हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होना, हार्ट की पंपिंग कमजोर होना, और एक मृत्यु का प्रमुख कारण इन पेशेंट में कोविड का हार्ट पे असर ये हो रहा है। लेकिन उस इसमें डिटेल में जाते हुए जो मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने हार्ट डिसीज पेशेंट है, जिनके अबव 40-50 एज है, जिनको ऑलरेडी हार्ट डिसीज है, ऐसे पेशेंट में दूसरी कोमॉर्बिडिटीज भी बहुत ज्यादा है, जैसे डायबिटीज का प्रमाण, ब्लड प्रेशर का प्रमाण, दमे की बीमारी। इस कारण क्या हो रहा है कि ये लोग लो इम्यूनिटी में आ रहे, और जिनकी इम्यून क्षमता कम है, रोग प्रतिकारक क्षमता कम है, ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। आपको अगर हार्ट डिसीज है तो आप हाई रिस्क जोन में हो, और अपने को घर के बाहर नहीं निकलना है, घर पे रहो, दूर से दूर कॉन्टेक्ट पेशेंट के दूर रहिए, कॉन्टेक्ट में मत आइए, लेकिन घर पे रहते वक्त मोर इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी रहिए। ऐसा नहीं कि मैं घर पे हूं तो मैं बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जा रहा हूं, तो आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए, फ्लोर एक्सरसाइजेस, यूट्यूब पे लगे जितने आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, ठीक है, डाइट का प्रमाण। अब घर पे ऐसा ना हो कि नई नई चीजें बन रही है, अभी जैसे घर पे क्या पिकनिक का माहौल चल रहा है, आज कांजी बड़े बन गए, आज दही बड़े बन गए, ये चीजें चलने दो, लेकिन डाइट पे रिस्ट्रेंट रखो। डाइट और एक्सरसाइज, इस पे अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। बीच में से रोक रहा हूँ, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी बहुत कम कंसल्टेशन हो रहा है, तो ऐसे समय में जो हार्ट के मरीज है उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? अपने जो कुछ मेडिसिन चल रहे, शुगर, बीपी, दमा, हाइपरटेंशन, ये जो पहले की मात्रा में चल रहे थे वही डोज रेगुलर रखिए। दवाई पहले से, मैं तो बोल रहा हूँ, 1-2 महीने की अपने पास स्टॉक करके रखिए मेडिसिन, ऐसा ना हो कि मुझे मेडिसिन का शॉर्टेज जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाहर ओपीडी में दिखाने मत जाइए। अगर आपकी तबीयत अच्छी है, घर के कोई इंस्ट्रूमेंट्स होगा उससे आप बीपी वगैरह चेक करा लीजिए, अपने जो डॉक्टर है फिजिशियन उनसे व्हाट्सएप में ही कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि ये मेरा बीपी चल रहा है, मुझे तकलीफ नहीं, और वो मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली अपने को अपना शुगर, ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रखना है, हार्ट की दवाया कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था कि कुछ पर्टिकुलर हार्ट की दवाया है जो बीपी की रहती है, जिसे हम एसिमीटर बोलते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। अगर टेक होम मैसेज एक आज का मैं देना चाहूंगा, तो सबसे व्हाट्सएप नॉलेज से दूर रहिएगा। व्हाट्सएप में बहुत सारी मिस चीजें फैल रही है, तो जब तक आपके डॉक्टर ना बोले, अपने जो मेडिसिन चल रहे वो आप रेगुलर कंटिन्यू रखिए, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के। अब इसमें एक बहुत ज्यादा एक इश्यू चल रहा है प्रोफिलैक्सिस, जिसमें SCQ, क्लोरोक्वीन, ये गोलियां है ने, पहले 2 दिन में ही वो गोली आउट ऑफ स्टॉक हो गई, क्योंकि लोगों ने दर दर लेना शुरू किया कि ये मुझे बीमारी से बचाएगा। तो ऐसा कुछ भी रोल नहीं, कॉमन पब्लिक को प्रोफिलैक्सिस ड्रग्स की जरूरत नहीं है। ये ड्रग्स जो है वो भी हार्ट के लिए घातक होते हैं, हार्ट में उनके बहुत उच्च प्रमाण में साइड इफेक्ट पाए गए, जिससे कि हार्ट भी वो बंद कर सकते हैं अरिथमिया से। तो जब तक आपके डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेंगे, ये मेडिसिन अपने को नहीं लेना है, और अपने को बस घर पे रहना है, हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करना है, वेट गेन नहीं करना है। अपन हाई रिस्क में है, अगर अपने को हार्ट डिसीज है, अपने को रूटीन से ज्यादा केयरफुल रहना है। बाकी सब पहलू पे डिस्कस करने के लिए अपने पास बहुत ही एक्सपर्ट पैनल है, सतीश अग्रवाल सर मॉडरेट कर रहे हैं, तो अपन सब उनकी चीजें सुनेंगे और अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन जी आपका। और मित्रों, डॉक्टर पवन जी द्वारा दी गई जानकारी और मार्गदर्शन के बारे में अपनी राय से हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से सूचित करें।
आपसे विदा का वक्त हो गया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।